छात्रों की हो रही है, पेरेंट्स भी बहुत सारे बैठे हैं, निश्चित तौर पर वो भी चाहते होंगे कि उनका बच्चा भी पीएससी फाइट करे, यूपीएससी फाइट करे और आगे सेलेक्ट भी हो। प्रियंका शुक्ला कभी आईएएस बनना नहीं चाहती थी, प्रियंका शुक्ला डॉक्टर ही बनना चाहती थी। वो जिंदगी के 6 शब्द जिसने प्रियंका शुक्ला को डॉक्टर से आईएएस बना दिया, मैं जरूर चाहूंगा कि आप शेयर करें कि वो ऐसे 6 शब्द तो थे वो क्या? कहानी जो है वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, लेकिन ऐसा है कि मैं स्कूल में बचपन से मैं टॉपर रही हूँ। मेरे फादर की बड़ी, जब मैं पैदा हुई तो मेरा घर में थोड़ा पितृसत्तात्मक सोच के लोग ज्यादा थे, तो उनको लगा कि पहली बिटिया हुई है तो बिटिया क्या ही करेगी। पर मेरे पिताजी ने ठाना कि मेरी बिटिया वो सब करेगी जो खानदान में किसी ने नहीं किया, और उनका आशीर्वाद और साथ है कि आज मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठी हूँ। मेरे घर में पहली डॉक्टर मैं बनी, पहली आईएएस ऑफिसर मैं बनी, पहली फ्लाइट बोर्ड करने वाली बंदी मैं बनी, पहली इंटरनेशनल विजिट करने वाली बंदी मैं बनी। तो क्योंकि बचपन से मैं टॉप कर रही थी, तो सामान्यतः ये होता है, मैं हाई स्कूल में भी मैं सीबीएसई बोर्ड में थी, मैंने जो है इलाहाबाद रीजन टॉप किया था, मैथ्स में 100 on 100 थे, इंग्लिश में टॉप 0.1% पे थी। तो ये होता है कि मेडिकल की तैयारी, जनरली हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, चूंकि मेरे पास बायोमास दोनों था, तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस, जहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंस भी दिए थे, मेडिकल एंट्रेंस भी दिए थे, मेरे दोनों में सिलेक्शन हो गया था। बट फादर का ड्रीम था कि मैं यूपी के टॉप मोस्ट कॉलेज से मेडिसिन पढ़ूं, तो मैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो अभी इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में है, वहां से मैंने मेडिसिन करी। अब जब मेडिसिन कर रही थी तो सभी की इंटर्नशिप होती है, मेरी भी थी, तो मैं एक सीएचसी में इंटर्नशिप में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो उसके अंतर्गत एक पीएचसी भी आता था, वहां भी विजिट करती थी। तो वहां एक महिला जो है हर हफ्ते पहुंचती थी और कहती थी, कभी कहती थी मेरा पेट खराब है, कभी कहती थी बच्चों का पेट खराब है, और उसको हमने सब तरीके की एंटी इन्फेक्शन और सब दवाइयां देके, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे करके देखा, लेकिन वो हर बार दोबारा लौट के आती थी, तो मुझे एज अ डॉक्टर मेरा फेलियर लगता था। तो एक बार मैंने उनको बड़ी समझाने की कोशिश करी कि जब तक आप अपनी पानी को साफ नहीं पियेंगे, तब तक जो है ये इन्फेक्शन हम आमूल चूल रूप से हम नहीं सुधार पाएंगे, तो आप साफ पानी पीजिए। और हमने बोला कि आप पानी उबाल के पीजिए, बहुत पेशेंटली मैंने समझाया। उसके बाद एक दिन हुआ कि फील्ड विजिट पे जाना है, तो मुझे बड़ा एक वो था कि चेक करूं जाकर कि ऐसा क्या करते हैं कि हर महीने जो है, हर हफ्ते जो है ये लोग आते हैं। तो मैं गई, तो सामान्यतः गांव में या कुछ ऐसे कस्बे में आप जाइए तो बहुत घर साफ सुथरे मिलते हैं, गोबर लीपा और ये सब। उनके जितने भी पानी के बर्तन थे जिसमें उन्होंने पानी रखा हुआ था, किसी में काई लगी हुई थी, किसी पानी के ऊपर कुछ तैर रहा था, तो उस समय थोड़े यंग थे मतलब, तो गुस्सा भी जल्दी आता था, तो मैं नाराज हो गई। मैंने कहा तुमको समझ में नहीं आता है, कितने दिन से आपको बता रही हूँ कि पानी उबाल के पियो, इतना गंदा पानी आपका बच्चा पिएगा तो क्या वो ठीक रहेगा? तो बोले क्यों सुनो तुम्हारी बात, तुम कहीं की कलेक्टर हो। तो तो मुझे लगा कि अगर एक डॉक्टर के रूप में भी मैं किसी को अपनी बात मनवाना चाहती हूँ, देखिए आज इतने सारे लोग मेरी बात सुन रहे हैं एज अ कलेक्टर, तो शायद कलेक्टर बनने में मदद करे। और निस्संदेह अब 14 साल की नौकरी इस साल हो जाएगी, तो निस्संदेह जो है मदद मिली है, और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि एज अ डॉक्टर, मैं एज अ डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सेवाओं का लाभ लोगों को दे पा रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ड्रीम देखे थे उसमें ये जरूर था कि कितने लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो मैं बहुत इस मामले में लकी रही कि पिता का साथ मिला और साथ में भगवान ने भी आशीर्वाद बनाए रखा कि आज यहाँ पहुंची।